हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जितने भी लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा देशवासी हैं जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आते हैं, यानी कि बहुत सारी तादाद है हमारे देश में जो कि गरीब है और जो मुफ्त राशन के भरोसे भी रहती है, जिनको अन्न मिलता है राशन कार्ड पे। तो दोस्तों, आज मोदी जी का 5 बजे स्पीच थी, आप सभी को पता है, लाइव आए थे, देश का संबोधन था। तो उसमें एक सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है और वो ये है कि आज सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है, यानी कि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। तो ये जो मुफ्त अनाज था, आप सभी को मिल रहा था मई और जून महीने के लिए, पहले इसको तय किया गया था, लेकिन अब कोविड की सेकेंड वेव को देखते हुए, दूसरी लहर को देखते हुए इसका टाइम आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब ये जो मुफ्त अनाज है वो नवंबर यानी दिवाली तक सब भी जो 80 करोड़ से ज्यादा देशवासी हैं उन सबको मिलेगा। ये 5 किलो पर व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो जो भी आपके राज्य में स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ये केंद्र सरकार का फैसला है। तो अगर कोई राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ और स्कीम है तो वो आपको जो एडिशनल है वो आपको लाभ मिलता रहेगा, लेकिन जो केंद्र सरकार की वजह से आपको जो मिल रहा था अनाज मई और जून का, वो अब आपको नवम्बर तक मिलेगा। तो ये गुड न्यूज आपके लिए थी। इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ ताकि सबको पता चल जाए। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।